ऑनर्स आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट पे। आज के इस सेशन में हम शेयर मार्केट में यूज होने वाले कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर की। शेयर क्या होता है, व्हाट इज शेयर। एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ मैं आपको। सपोज मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया है और मैं वो आइडिया अपने चार दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ, उनको आइडिया पसंद आता है और हम पांचों दोस्त मिलके एक कंपनी जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी कंपनी को रन करने के लिए कैपिटल चाहिए होती है, तो हम पांचों दोस्त एक एक लाख रुपया उस कंपनी में डालते हैं। हम जब कोई अपने पैसा किसी बैंक में डालते हैं या बैंक में एफडी ओपन कराते हैं, तो बैंक हमें क्या पे करता है, बैंक हमें इंटरेस्ट हर साल एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करता है। इसी तरह जब हमने कंपनी में पैसा अपना लगाया तो कंपनी हमें क्या पे करेगी, कंपनी हमें अपने शेयर्स देगी। तो हम पांचों दोस्त जो कि जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की है और हम इस कंपनी के जो है प्रमोटर्स हैं, तो हम पांचों दोस्तों ने डिसाइड किया कि हमारी जो कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। तो 10 रुपये के हिसाब से हम पांचों दोस्तों को 10,000 शेयर्स जो थे वो मिल गए। तो ये जो शेयर्स हमें मिले ये हमारी उस कंपनी में ऑनरशिप जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी उस कंपनी में हिस्सेदारी को बताते हैं। तो जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स आर यूनिट्स आल्सो नोन एज स्टॉक और इक्विटीज रिप्रेजेंटिंग ऑनरशिप इन अ कंपनी। तो जो शेयर्स होते हैं वो आपकी किसी कंपनी में ऑनरशिप को, आपकी किसी कंपनी में हिस्सेदारी को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एज पर द कंपनी एक्ट जो शेयर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो रिस्की शेयर्स माने जाते हैं, क्योंकि जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं वो प्रॉफिट के साथ साथ जो लॉस होता है कंपनी का उसको भी बियर करते हैं। दूसरी तरफ जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स कम रिस्की होते हैं, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी हर साल एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो पे करती है, इरिस्पेक्टिव की कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्योंकि वो रिस्क बियर करते हैं, लॉस में पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी के, तो इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो कंपनी का जो है वो ऑनर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर्स कहलाते हैं। कंपनी की कोई भी मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है और वो डिसीजन वोटिंग के थ्रू लिया जा रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोट का भी राइट होता है। दूसरी तरफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास एज सच कोई राइट नहीं होता है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि ये जो शेयर्स कंपनी के ये जो शेयर्स होते हैं वो जो जनरल पब्लिक है, जो आम जनता है, वो कहाँ से ले सकती है। तो दो तरह की मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। प्राइमरी मार्केट को न्यू शेयर्स मार्केट भी कहा जाता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज जो होती है वो अपना पब्लिक इशू जो होता है वो मार्केट में लाती है फॉर सब्सक्रिप्शन। ये जो इशू होता है, ये दो तरह के इशू होते हैं, एक होता है आईपीओ, दूसरा होता है एफपीओ। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड एफपीओ स्टैंड्स फॉर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सबसे पहले हम आईपीओ की बात करते हैं। आईपीओ होता है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में लेके आ रही है। तो यहाँ पे मैं अपनी कंपनी की बात करती हूँ जो हम पांच दोस्तों ने मिलकर शुरू की थी। तो सपोज उस कंपनी का नाम हमने रखा था एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया तो उसकी ग्रोथ के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम जो अपनी कंपनी के जो शेयर्स है वो पब्लिक को ऑफर करेंगे, क्योंकि हमें कैपिटल चाहिए थी अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपनी कंपनी के जो शेयर्स है वो पब्लिक को ऑफर करेंगे। तो ये जो हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं अपनी शेयर्स, ये आईपीओ कहलाएंगे, क्योंकि पहली बार हमारी कंपनी के शेयर्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। दूसरा होता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग में होता है कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, उसको अब कैपिटल चाहिए, उसको और कैपिटल चाहिए, उसको ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए। तो वो जब अपने शेयर्स मार्केट में लेके आती है तो वो जो ऑफर होता है उसको कहा जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग।
जैसे हम बात करते हैं इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस आप सबको पता है कि एक कंपनी है जिसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो जब इन्फोसिस और अपने शेयर्स मार्केट में लेके आएगी, कोई नया इशू लेके आएगी, तो वो जो इशू होगा उसको कहा जाएगा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो ये दो तरह, दूसरी जो मार्केट है सेकेंडरी मार्केट, जिसको कि स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी जो जनरल पब्लिक है वो शेयर्स जो है वो परचेज कर सकती है। तो स्टॉक एक्सचेंज में आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू या डायरेक्ट जो है वो कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। तो ये दो तरह से जो जनरल पब्लिक है वो शेयर्स कंपनी के परचेज ले सकती है, थ्रू प्राइमरी मार्केट जिसमें कि डायरेक्ट कंपनी से शेयर लिए जाते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट जिसमें कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है वो शेयर्स लिए जा सकते हैं। सो प्राइमरी मार्केट में जहाँ नए शेयर्स मार्केट में आते हैं, फ्रेश कैपिटल कंपनी को मिलती है, वही सेकेंडरी मार्केट में एज सच ना तो फ्रेश कैपिटल कंपनी के पास आती है, ना ही नए शेयर्स मार्केट में इंड्यूस किए जाते हैं। इस सेकेंडरी मार्केट में केवल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं उनकी ही ट्रेडिंग होती है, उनकी ही बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो ये था कंपनी के कि किस तरह से जो जनरल पब्लिक है वो शेयर्स जो है वो परचेज कर सकती है। अब अगर कोई भी पर्सन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो उसको ये तीन अकाउंट जो है वो ओपन करवाना ज़रूरी है। एक है, पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा डीमैट अकाउंट, तीसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक अकाउंट जनरली सब लोगों के पास होता है। हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट की, डीमैट अकाउंट क्या होता है। सो डीमैट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज डीमटीरियलाइजर अकाउंट। इंडिया में अगर कोई पर्सन शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना जो है वो मैंडेटरी है। बिना डीमैट अकाउंट ओपन किए कोई भी पर्सन जो है वो शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। पहले क्या होता था कि पहले जब शेयर्स कंपनी से लिए जाते थे तो कंपनी के शेयर्स जो होते थे फिजिकल फॉर्म में या पेपर फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते थे, जो कि काफ़ी कंबर्सम प्रोसेस था। कई बार शेयर्स जो होते थे वो फट जाते थे, चोरी हो जाते थे, उनको कैरी करना काफ़ी डिफिकल्ट होता था। तो इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए 1996 में NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जो था वो इस्टेब्लिश हुआ, और उसने डीमैट अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया। सो डीमैट अकाउंट में क्या होता है कि डीमैट अकाउंट में जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो होती है वो होल्ड की जाती है। अगर आपके पास फिजिकल शेयर्स है, आपके पास पेपर शेयर्स है और उस शेयर्स को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं तो उस प्रोसेस को डीमटीरियलाइजेशन कहा जाता है। डीमैट अकाउंट जो है वो किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू आप जो है वो ओपन करवा सकते हैं। जनरली जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं वो एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी रजिस्टर्ड होते हैं, तो शेयर ब्रोकर्स के थ्रू जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड है, आप उनसे जो है डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो इस डीमैट अकाउंट को होल्ड करते हैं। सो डीमैट अकाउंट जो होता है, डीमैट अकाउंट हैज ए यूनिक 16 डिजिट डीमैट नंबर विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द डीमैट अकाउंट होल्डर। तो हर डीमैट अकाउंट का एक जो है 16 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है। तो ये था डीमैट अकाउंट के बारे में। इसके अलावा कुछ एलिजिबिलिटी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं किसी भी पर्सन को जो कि डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए, दूसरा एज जो है वो 18 प्लस होनी चाहिए, और उसके पास एक बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को जो है वो सबमिट कराने ज़रूरी है डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड रिक्वायर्ड है। देन एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जो है वो सबमिट करा सकते हैं। इसके अलावा एक फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में भी डील करना चाहते हैं, मतलब डेरिवेटिव मार्केट में भी इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए आपको एक अपना इनकम प्रूफ जो है वो देना पड़ेगा। देन एक कैंसल चेक या फिर लास्ट 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सबमिट कराना ज़रूरी है।
इनके इसके बाद जो है आपका डीमैट अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये था डीमैट अकाउंट। नेक्स्ट जो अकाउंट मैंडेटरी है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट में आप जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स जो है उसको होल्ड करके रख सकते हैं, बट अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप शेयर्स को बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना ज़रूरी है। सो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए जो है आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट आप किसी भी जो सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर है उससे आप उसके थ्रू आप ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। सो एवरी ट्रेडिंग अकाउंट हैज़ ए यूनिक ट्रेडिंग नंबर विच इज़ यूज टू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। सो हम इन नटशेल हम कह सकते हैं कि डीमैट अकाउंट जहां आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करके रखता है, वही ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो अपनी ट्रांजेक्शन है शेयर्स को बाय एंड सेल जो है वो कर सकते हैं। सो ये था ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। सो नेक्स्ट कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्विज है, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो आप इनको सॉल्व करके जो नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन है उसमें ज़रूर डालिएगा। सो अपने अगले कुछ सेशन, नेक्स्ट जो सेशन में हम कुछ और जो शेयर मार्केट की कुछ बेसिक टर्म्स है उनको डिस्कस करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग।